नमस्कार, मैं आयुषी मिश्रा और आज हम आ पहुंचे हैं एमटीआई सेल रांची में, जहां पर सेल, सीसीएल, एमओआईएल, एक्साइएसएस, एनएचआरडी नेटवर्क रांची चैप्टर के साझा सहयोग से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य धातु एवं खनन क्षेत्रों में मानव संसाधन प्रबंधन की चुनौतियों को पहचानना और उन्हें सही उपकरणों, प्रणालियों एवं मंचों के मिश्रण वाले डिजिटल मानव संसाधनों से जोड़ना है। तो आइए देखते हैं कि धातु एवं खनन उद्योग में डिजिटल एचआर सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से ये लाभकारी साबित हो रहा है। विश्व भर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं नेतृत्व का लक्ष्य अपने मानव संसाधनों की क्षमताओं का उपयोग करके संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त करना है। वे संगठनात्मक सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभा और प्रौद्योगिकी के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं, और यह धातु और खनन उद्योग के लिए भी सही है। ये जो विषय है हमारा इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का, वो है कि जो नई उभरती तकनीक है, डिजिटल है, अभी तो आप लोग वेब पोर्टल भी कर रहे हैं, जो तकनीक है वो डिजिटल साइड में जा रही है। तो हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो शीर्षक है वो यही है कि इन तकनीकों का समावेश हम किस तरह करेंगे किसी भी इंडस्ट्री के, जैसे इसमें 2 इंडस्ट्रीज सम्मिलित है, एक मेटल है धातु और एक माइनिंग है। तो ये सब उभरती टेक्नोलॉजीज को हम किस तरह से आत्मसात करेंगे और हम अपने उत्पादन में, हम अपनी गुणवत्ता में, हम अपने जो हमारे जो कर्मी हैं उनका जो सेटिस्फैक्शन है उसमें कैसे वृद्धि करेंगे। सेल का स्वर्ण जयंती वर्ष और भारत की आज़ादी का 75वां वर्ष और अमृतकाल भी बोला जा रहा है आने वाले 25 सालों को, इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आप लोग ये जानते हैं कि इन दोनों विषयों पे इस पूरे हीरक जयंती वर्ष में हमारी टीम का फोकस रहा है। एक तो है कि उभरती हुई तकनीकें, द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, और दूसरा है जो एक प्रॉब्लम पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है, क्लाइमेट चेंज का। तो ये 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है जिस पे पूरा का पूरा कॉरपोरेट वर्ल्ड और सेल, CIL जैसी जितनी भी संस्थाएं हैं सब बहुत ही जागरूक हैं और इसमें काफ़ी काम हो रहा है। सबसे बड़ी जो चुनौती उभर कर सामने आ रही है नई टेक्नोलॉजीज के कारण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिक्स रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, बायोमेडिकल में बहुत सारा चेंजेस हो रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम एंटेंगलमेंट, ये जितनी नई नई चीज़ें आ रही हैं, इससे आने वाले वर्षों में हम लोग जैसे आज तक काम करते आ रहे हैं उसमें पूरा आमूलचूल परिवर्तन होने की संभावना है। अब क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तो मानव को एक बहुत बड़ा टूल प्रोवाइड कर ही रहा है, साथ ही साथ हम लोगों का जो पैरेलल फोर्स खड़ा हो रहा है रोबोट, उसको भी वो एक बहुत बड़ी शक्ति दे रहा है और इतनी बड़ी शक्ति दे रहा है जिसके कारण जो भी आप लोग नई फिल्मों को देखते होंगे, आज से 10 साल पहले जो फिल्म में हम लोग देखते थे साइंस फिक्शन फिल्म्स में, वो सब अब रियलिटी बन के उभर रहा है। और आप लोग सब जानते हैं कि अब साइंस को टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट होने में बहुत कम टाइम लगता है। पहले जैसे लैब में रिसर्च होता था और टेक्नोलॉजी में जब कन्वर्ट होता था, आम आदमी को यूज़ करने का मौका मिलता था, उसमें कम से कम 30 वर्षों का लोग कहते हैं समय लगता था। अब वो समय घटकर 4-5 वर्ष हो गया है और जैसे वक्त बीतते जाएगा वो 2-3 वर्षों में ही आ जाएगा। तो इस तरह की जो संभावनाएँ हैं उससे मानव मात्र का ही एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ गया है, क्योंकि रोबोट्स जो है एक पैरेलल फोर्स के रूप में खड़ा हो रहा है और रोबोट्स का आप लोग सब देख रहे हैं बहुत यूज भी हो रहा है संसार में कई फील्ड्स में। तो मानव अपने लिए एक पैरेलल फोर्स खड़ा कर रहा है, वो कोई भी फील्ड हो, वो HR का फील्ड हो जिसमें हम लोग मानव को मैनेज करना, हम लोग अभी तक बोलते थे कि सबसे बड़ा रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में
हमारा ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इंटरवेंशंस हो रहा है उसको कैसे हम लोग टू आवर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यूज करें, इसी के लिए इस हीरक वर्ष में एक संगोष्ठी भी आयोजित की गई है। हालांकि इस उद्योग को अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि यह अभी भी विरासत प्रणालियों और पारंपरिक कार्य विधियों पर निर्भर करता है जिनके लिए शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। साथ ही यह उत्पादकता बढ़ाने और सख्त पर्यावरण और सामाजिक नियमों का पालन करने के लिए नवीनतम उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल उपकरणों और प्रणालियों को अपनाने का भी प्रयास करता है। पब्लिक सेक्टर में जैसा आप जानते हैं हम लोग काफ़ी लेबर इंटेंसिव रहते हैं, तो हमारे यहाँ काफ़ी सारे ऐसे भी हमारे साथी होते हैं जिनके परिवार को उतना एक्सपोजर नहीं है, उनको भी बहुत एक्सपोजर नहीं है, खासकर के माइनिंग क्षेत्र में अगर आप देखेंगे झारखंड में हम अवस्थित हैं तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ डेवलपमेंट्स अभी पूरी तरह से पहुँचे नहीं हैं, जिस हद तक पहुँचना चाहिए लोगों के पास उतने विकास नहीं हो पाए हैं, तो हम लोग उनके विकास के लिए उनके बीच में जाके काम करते हैं और तब इस देश को ये बिजली मिल पाती है। तो बिजली का फ़ायदा तो लोगों को नज़र आता है लेकिन उसके चलते जो दुष्प्रभाव होते हैं उसको बनाने में उसको समाज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। कोई भी टेक्नोलॉजी तब तक अधूरी है जब तक समाज उसको एक्सेप्ट ना करे, लेकिन कुछ चीज़ें ऊपर से आ जाती हैं जैसे AI है, बनाया गया अच्छे चीज़ों के लिए। शुरुआत में आप देखेंगे एटम बम, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वगैरह अच्छी चीज़ों के लिए बनाया गया, लेकिन उसके दुष्परिणाम आने लगे तो पूरा ग्लोबली उस पर काफ़ी सारे ट्रीटीज़ हुए, काफ़ी पैक्ट्स हुए जिसको कुछ लोग फॉलो करते हैं, कई कंट्रीज़ हैं उस पर पॉलिसीज़ बनाई हुई इंटरनेशनली। तो आज नहीं तो कल AI पे भी बनाना पड़ेगा, उसकी सीमाओं को बांधना पड़ेगा कि कहाँ तक हम उसमें जा सकते हैं, क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, इसकी भी आवश्यकता होगी और इस पर चर्चाएँ शुरू हो गई हैं हमारे देश में भी और काफ़ी जगहों पे इस पर चर्चाएँ हो रही हैं। कई सारे लोग हैं जो इस पर अब बात करना शुरू कर दिए हैं कि कैसे इसको रेगुलेट किया जाए। इस संगोष्ठी के संदर्भ में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, मैग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस और नेशनल HRD नेटवर्क रांची चैप्टर के साझा सहयोग से 12 से 13 अप्रैल 2023 को प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान रांची में धातु और खनन उद्योग में क्षमता निर्माण के लिए एक डिजिटल HR पर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। क्लाइमेट चेंज जैसा आप जानते हैं बहुत ही ग्लोबल इश्यू है और अभी तो संसार को हम लोग जिस हालत में पहुंचा दिए हैं ओवर द ईयर्स, अगर हम लोग सोचें जैसे हम लोग बर्बाद किए हैं अपनी धरती को तो बेइंतहा ही है, उसका तो कुछ हिसाब किताब ही नहीं है। अब जागरूकता आई भी है तो आप देखिए कि डेवलप्ड वर्ल्ड ऑलरेडी दोहन करके बैठा हुआ है और अब डेवलपिंग कंट्रीज़ को तरजीह नसीहत दी जा रही है कि भाई आप स्लो डाउन कीजिए, बट स्टिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही जागरूक है और हम लोगों का कमिटमेंट है कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होना है, तो उस दिशा में काम चल रहा है और बहुत जोर शोर से चल रहा है। और आपको पता है कि सोलर एनर्जी के फील्ड में जो इंडिया का कमिटमेंट है वो मतलब अनसरमाउंटेबल है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स। बहुत कितना 4500 गीगावाट है ना, तो इट्स अ वेरी ह्यूज टारगेट जो कि हम लोग लिए हुए हैं। और आप सही बोल रहे हैं, मतलब ये जो रिजर्वॉयर्स हैं ये तो ऐसा एवर लास्टिंग तो है नहीं, इट हैज़ टू एंड। इसीलिए हमेशा रीन्यूएबल एनर्जी की चर्चा हो रही है, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की चर्चा हो रही है और इस पर काफ़ी काम चल रहा है। आई थिंक यू आर ऑल अवेयर ऑफ इट, काफ़ी ज़ोर शोर से काम चल रहा है। और ऑफ लेट जब पानी सर के ऊपर आ गया है तब अब रियलाइजेशन बहुत ज़बरदस्त आ गया है, क्योंकि जिस तरह का ग्रीन हाउस इफेक्ट अभी पूरा ग्लोबल वार्मिंग को इस मुकाम तक ले आया है कि हम लोग बोल रहे हैं कि अगर हम लोग अब न चेतें
तो 2050 तक ही ये धरती इनहैबिटेबल हो जाएगी। तो बहुत ही तेजी से जो कर्व आप देख रहे थे कि बहुत तेजी से कार्बन एमिशन का कर्व बढ़ रहा था, वो थोड़ा थोड़ा अब स्लो डाउन होना शुरू हुआ है, बट इट इज स्टिल इन द राइजिंग फेज। ऐसा नहीं हुआ है कि वो टर्न डाउन होना शुरू हुआ है। तो इस बार जो इजिप्ट में कॉन्फ्रेंस हुआ शर्मल शेख में, उसमें भी इस पर काफ़ी चर्चा हुई है। नाउ दे हैव कमिटेड कि 2025 से हमको उसको नीचे लाना है। तो ऑल दिस कमिटमेंट्स थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉडीज, एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि वो डाउन द लाइन, चूँकि कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गया है तो बहुत जल्दी परकोलेट करता है, और ऑल द इंडस्ट्रीज आर टेकिंग वेरी कंक्रीट एक्शंस टू कंटेन ऑल दिस। इस संगोष्ठी ने प्रौद्योगिकी के उपयोगकर्ताओं और आपूर्तिकर्ताओं के बीच बातचीत और नेटवर्किंग का एक बड़ा अवसर प्रदान किया है। आप देखेंगे जहाँ पे भी हम लोग माइनिंग करते हैं वहाँ पे इको पार्क्स बना रहे हैं हम लोग। अभी कोयले के जगह पे बिजली उत्पादन के लिए अन्य स्रोतों का उपयोग किया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी की बात होती है, क्लीन एनर्जी की बात होती है, एनवायरमेंट की बात होती है। जो विकास है इसकी कुछ कीमत ज़रूर है, लेकिन जब आप उसके फ़ायदे देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, इसको फिर से हम बचा सकते हैं। जैसे हम लोग कहीं भी जब माइनिंग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा रॉ मटेरियल एक भूमि ही होता है, हम लोग ज़मीन से ही माइनिंग का काम शुरू करते हैं। तो वहाँ जब हम लोग माइनिंग ख़त्म करते हैं तब तक जब से शुरू होता है, हम लोग पूरे चारों तरफ उसके एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कई सारे कदम उठाते हैं और उनके वेलफेयर के लिए, वहाँ के लोगों के लिए वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। बुनियादी सुविधाओं से लेके लग्जरी तक हम लोग प्रयास करते हैं उनको दिया जा सके जहाँ तक संभव है। लग्जरी की परिभाषा अलग अलग होती है, बट जो बुनियादी सुविधाएं उतना तो कम से कम सबको मुहैया कराया जाए, चाहे वो शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, जिस तरफ से भी हो। साथ में जहाँ पर हमारा माइनिंग ख़त्म होता है उसके बाद हम लोग उस जगह को फिर से डेवलप करते हैं, वहाँ पे फिर से जंगल भी बनाए जाते हैं और इको पार्क्स बनाए जाते हैं, उनको टूरिज्म स्पॉट की तरह भी डेवलप किया जाता है। कई तरह से हम लोग योजनाओं को लगाते हैं ताकि एनवायरनमेंट को पुनर्स्थापित किया जा सके और उसे बचाया जा सके, ताकि ये लॉन्ग रन में जब भी चलता रहे तो ये कहीं भी दुष्परिणाम देखने से पहले हम लोगों को उसके अच्छी अच्छी चीज़ों को नज़र आए और हम लोग पुनः उस स्थिति को बहाल कर सकें। एक जंगल को बनने में सैकड़ों साल लगते हैं, सालों साल लग जाते हैं, काटने में उतना समय नहीं लगता है, लेकिन जब कटता है उसके बाद जो माइनिंग प्रोसेस शुरू होता है उसके अलावा भी बाकी जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे कुछ काम होते रहते हैं ताकि इन चीज़ों को बचाया जा सके। जैसे उनकी सुरक्षित पानी की व्यवस्था होती है या फिर सोलर लाइट्स की व्यवस्था होती है, इन सब चीज़ों को लेके हम चलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। और आजकल हम लोग इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हम लोग कोर इंडिया ने कन्वेयर सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया है कि हम लोग एनवायरनमेंट से बचाते हुए कितना ज़्यादा कर सकते हैं। फर्स्ट माइल के लिए भी हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, गतिशक्ति के तहत चलता है वो सब चीज़ साइडिंग में, कि रेलवे से जाए, रोड से जाए, कैसे जाए, जिससे कि कम से कम वातावरण को प्रदूषित किया जा सके, प्रदूषण को रोका जा सके, इसके लिए प्रयास हम लोग करते रहते हैं। इसलिए संसाधन जब तक हैं उनका ज़रूर कुछ हद तक आप शब्द प्रयोग कर सकते हैं कि दोहन किया जाता है, तभी हमको चीज़ें मिलती हैं ज़मीन से, लेकिन उसको बचाने के लिए भी हम लोग साथ में प्रयास जारी रखते हैं। जो सरकार के नियम भी हैं और जो उसके बियॉन्ड भी सामाजिक नियम है उसका भी हम लोग पालन ज़रूर करते हैं। कॉन्क्लेव का उद्देश्य धातु और खनन उद्योग में मानव संसाधन प्रबंधन की चुनौतियों की पहचान करना और उन्हें सही उपकरण, प्रणालियों एवं मंचों के मिश्रण वाले डिजिटल एचआर समाधानों में प्रतिचित्रण करना है। यह क्षमता निर्माण और व्यावसायिक लाभ के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने में मदद करेगा। हमारा जो ये इंटरनेशनल कॉन्क्लेव ऑन डिजिटल एचआर फॉर कैपेबिलिटी बिल्डिंग इन मेटल्स एंड माइनिंग इंडस्ट्री है, इसका मेन उद्देश्य पहले हम लोग समझ लें। इसका मेन उद्देश्य है कि डिजिटल एचआर ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिकली हम लोग एचआर जो कि एक ट्रेडिशनली समझा जाता था कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैंडल करने के लिए है और जनरली डे टू डे
सक्सेशन प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, रेप्रीमांड्स, हायरिंग फायरिंग, वो रोल से शिफ्ट होके अब इसका जो सबसे मेजर रोल आ गया वो है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में। क्योंकि जब तक एक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं आता है तब तक कोई भी चीज़ बदल नहीं सकती है, जैसा आप बता भी रहे थे। कोई भी चीज़ कल्चरली ट्रांसफॉर्म करने में टाइम लगता है, लेकिन टेक्नोलॉजी को ले आना बहुत ही आसान काम होता है। अगर आपके पास पैसा है तो टेक्नोलॉजी आ जाती है, लेकिन आपके एम्प्लॉयज़ में और स्पेशली ऐसे एम्प्लॉयज़ में, जो कि कई ऐसे लोग हैं जो कि शैक्षणिक तौर पे बहुत ही सक्षम नहीं है और जिनकी योग्यता ऐसी नहीं है जो इन सब चीज़ों को समझ सके, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ता है, जिस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद उन लोगों को ये समझ में आता है कि ये उनके लिए यूज़फुल है। जैसे अगर आप मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात कर लें तो मोबाइल आज के दिन में हमारा हर लेबर फोर्स यूज़ करता है, आज से 10 साल पहले नहीं यूज़ कर पा रहा था। सिमिलरली अभी जो नई नई विधाएं आ रही हैं उसमें हमारा जो मेन फोकस एरिया है वो सबसे बड़ा, जैसा कि हर्ष जी बता रहे थे, एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम भी बताएं स्मैक एक टर्म है। स्मैक हमारा चार पिलर है। एस इज़ फॉर सोशल मीडिया, जैसे आपका लिंक्डइन है, फेसबुक है, ट्विटर है, इस तरह के मीडिया के माध्यम से आप बहुत सारा मैसेजेस डाउन द मासेस प्रोपगेट करके कल्चर बिल्डिंग करते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है एम, मोबाइल टेक्नोलॉजी। मोबाइल टेक्नोलॉजी भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल होता है जिससे कि आप एक सतह, एक ज़मीन तैयार करते हैं जिसमें कि नई टेक्नोलॉजीज़ को आप अडॉप्ट कराने के लिए लोगों को यूज़र इंटरफेस इतना अच्छा बना दें कि लोग इसको अडॉप्ट करें। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जैसे बताया हमने, एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑल दीज थिंग्स, जिसमें कि आजकल इमर्सिव लर्निंग के लिए जो टेक्नोलॉजी आई है वो है ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मिक्स रियलिटी, मेटावर्स। आप सुने होंगे, फेसबुक का नाम ही बदल के मेटा हो गया है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आता है हमारे तीसरे पिलर में। और चौथा जो पिलर है वो है क्लाउड कनेक्टिविटी, क्योंकि आजकल जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उसके जड़ में है क्लाउड। तो ये जो चार पिलर है इसी पे हमारा पूरा कॉन्क्लेव का फोकस है। तो हमारे जो स्पीकर्स आ रहे हैं, एक तो ऐसे सेट ऑफ स्पीकर्स हैं जो कि हमें ये बताएंगे कि अच्छे अच्छे इंडस्ट्री में, इस फील्ड में क्या काम हो रहा है। दूसरे ऐसे स्पीकर्स हैं जो हमें बताएंगे टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ख़ास तौर पे विदेशी कंपनियां जो कि लिंक्डइन है, फेसबुक है, आपका डेलॉयट है, आईबीएम है, इसके एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। दूसरा हो गया आपका जो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताएगा। तो भारत के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर माने जाते हैं प्रोफेसर पीपी चक्रवर्ती, वो आईआईटी खड़गपुर में पहले डायरेक्टर थे, डायरेक्टर का उन लोगों का स्टिंट होता है, वो ख़त्म होने के बाद अब वो वहाँ के कंप्यूटर साइंस के हेड हैं, वो आ रहे हैं। वो हम लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह की जितनी भी विधाएँ हैं एनालिटिक्स रिलेटेड, उस पर चर्चा करेंगे। दूसरे प्रोफेसर आ रहे हैं प्रोफेसर मणिवनन, वो हमारे आईआईटी मद्रास से आ रहे हैं। आईआईटी मद्रास से आने वाले जो प्रोफेसर साहब हैं उनका क्षेत्र है, उनका रादर ड्रीम है भारत को एक एआर वीआर कॉरिडोर के रूप में पूरे संसार में प्रतिष्ठित करना। तो वो एआर वीआर के एक्सपर्ट हैं, वो इमर्सिव लर्निंग के एक्सपर्ट हैं। उन्हीं के सहयोग से आप लोगों को जान के खुशी होगी कि हमारे एमटीआई में आईआईटी मद्रास के सहयोग से एक लैब बनाया गया है जो कि हैप्टिक्स बेस्ड लैब है, और उसमें एआर वीआर एमआर को आप एक्चुअली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ये पूरे भारतवर्ष में अपनी तरह का दूसरा लैब है, पहला लैब आईआईटी मद्रास में। संगोष्ठी में प्रमुख फोकस क्षेत्र में डिजिटल एचआर के माध्यम से संगठनात्मक क्षमता का निर्माण, धातु और खनन उद्योग के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकियां, डिजिटल युग में नेतृत्व क्षमता को फिर से परिभाषित करना, त्वरित निर्णय क्षमता वाले संगठन के लिए डिजिटल संस्कृति, बड़े संगठनों में स्मैक तकनीकों को अपनाना और कर्मचारियों के गहन अनुभव के लिए
उपकरण शामिल है। ये एक्चुअली सरकार ने रेगुलेशन ही बना दिया है, तो अब लोगों को लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और ये धीरे धीरे आता है, कोई भी जब चीज़ें आती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह से नहीं होगा कि अचानक से लोग फ्लडेड हो जाएंगे मार्केट में, उनको बनने में समय लगता है। तो ये जितने व्हीकल्स हैं इस पर सरकार ने भी स्कीम्स बनाई हैं, छूट भी दे रखी है, और हम लोगों ने लेना शुरू कर दिया है। अभी मेरे यहाँ जो व्हीकल्स आती हैं कोल इंडिया में, इसमें काफ़ी सारे ई व्हीकल्स को हम लोगों ने यूज़ किया है, और जो हमारे मेजर HEMMs होते हैं उस पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उसको नॉन फ्यूल इस पर जाया जा सकता है। वी आर एक्सप्लोरिंग दोज पॉसिबिलिटीज़। तो वो सब ले कर चल रहे हैं। हर इंडिविजुअल की ये दायित्व बनती है और हर एक को मिलना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, सिर्फ सरकार के रेगुलेशन से कुछ नहीं होता, यही हम कहना चाह रहे थे। हम लोगों को सबको मिलना पड़ता है। आज भी देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो बाइक से चलते हैं तो हेलमेट नहीं लगाते हैं, और गाड़ी से चलते हैं सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, और बड़े बड़े लोगों का एक्सीडेंट हम लोगों ने देख लिया क्या होता है। साइरस मिस्त्री जैसे लोग चले गए उसी में दुर्भाग्य से, अभी ऋषभ पंत जी बचे हैं। तो ये सब चीज़ें, सब लोगों की जागरूकता की ज़रूरत है, और जागरूकता आ रही है। वो आप लोगों को और उसमें अहम रोल मीडिया को प्ले करना है जागरूकता लाने में। एक बार अगर हम जागरूक हो जाएंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप जगह पे आनी शुरू हो जाएंगी। हम लोगों ने अभी चर्चाएं शुरू की हैं, जागरूक नहीं हुए। तो आवश्यकता जागरूकता बढ़ाने की है, चर्चा चलती रहेगी, तो जागरूकता जैसे जैसे बढ़ेगी ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती जाएंगी। समय कम है, बट जैसे हम लोग सोलर एनर्जी की बात करते हैं, हमारे यहाँ टारगेट है, अभी हमने 20 मेगावाट का किया था, अनदर 20 मेगावाट मेरा अप्रूव हम लोगों ने बोर्ड से अभी किया है एक हफ्ता पहले, वो भी लगाने जा रहे हैं। जहाँ भी है हम लोग इस तरह से सोलर एनर्जी को भी बढ़ावा देते जा रहे हैं। तो ये अब रेगुलेशंस के साथ, अवेयरनेस के साथ ही आगे बढ़ेंगे, थोड़ा समय लगता है, बट इसलिए आपको दिख नहीं रहा। सडनली आपने देखा था CNG जब आया था, कई सारी गाड़ियों में CNG चेंज कर दिया गया, वो EV में नहीं हो सकता है, उसको चार्जिंग चाहिए। तो अब चार्जिंग की फैसिलिटी दे दी गई है कि आप घर में भी अपने गैरेज में भी चार्ज कर सकते हैं, बट उसका ड्यूरेशन लोगों को अभी तक, हम लोग जो जिस सोसाइटी में रहते हैं, जब तक दूसरे से देख के समझ नहीं लगते, हाँ भाई ठोक बजा के देख लिया सही है चलता है तो लगा दो तो पैसा, अदरवाइज नहीं भाई। अभी भी बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं जान रहे हैं, वो भी हाइब्रिड मोड खोजते हैं कि दोनों रहे भाई, बैलेंस करके चलेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ी जागरूकता की आवश्यकता है, उसमें जो समय है उतना ही बड़ा समय है, बाकी उसके बाद अपने आप ये सारी चीज़ें आ जाएंगी।